अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का साइंस का एक टेस्ट होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछूं, वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 10 या 15 सेकंड बाद में आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 31 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, परमाणु क्रमांक 31 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सेम इन्हीं पैटर्न के कई क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में समझाया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आप लोगों से पूछा गया था। वहां पे आपसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था, यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। कॉपर, कॉपर को हम CU से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 29 होता है और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया, ठीक है। और आप लोगों को ऑप्शंस भी इसी पैटर्न में लिखा हुआ मिला था, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 का पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से पूछा गया था और सेम इसी पैटर्न में आप लोगों को ऑप्शंस लिखे हुए मिले थे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी Ar3d10 4s2 4p1, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परमाणु क्रमांक 31 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो यहां पे क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक 31 लिखा हुआ है। किस तत्वों का होता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 31 होता है, गैलियम का होता है, ध्यान रखिएगा। किसका होता है, गैलियम का होता है, ठीक है। और गैलियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैलियम को हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूं। परमाणु क्रमांक 31 है, क्या हो जाएगा, यहां पे सबसे पहले आएगा 1s2, के बाद आएगा 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 हो जाएगा, फिर इसके बाद आएगा 4s2, इसके बाद आएगा यहाँ पे 3d10। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, हमने टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट से देखेंगे, यानी 1s2 यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2, फिर उसके बाद 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, यानी हमने यहाँ पे टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लिए हैं। कितने की जरूरत हमें और है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 31 है, 30 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी फिलअप कर लिए हैं, अब हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3d के बाद आपका आएगा 4p, और इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 4p1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम क्रम से लिख लेंगे, ठीक है। जब क्रम से लिखेंगे तो 3p6 के बाद आपका 3d10 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4s2 4p1 हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो 3p6 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3p6 के बाद हमारा यहां पे आ जाएगा 3d10
10 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4S2 हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका आ जाएगा 4P1। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऑप्शंस में तो हमारा ये दिया ही नहीं हुआ है। ऑप्शन में हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले AR लिखा हुआ है, 3D10 4S2 4P1 ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हुआ था। अब ये AR क्या है यहाँ पे, तो AR आपका, AR से हमारा यहाँ पे मतलब हो जाएगा ऑर्गन से। ऑर्गन एक अक्रिय गैस होती है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, किसका होता है, गैलियम का होता है। तो गैलियम से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, तो ऑर्गन आती है, और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। अगर हम ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक आएगा। आप यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। यानी जो यहां 3p6 तक लिखा हुआ है, 1s2 से लेके 3p6 तक लिखा हुआ है, ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो हम इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिखकर जो 3p6 तक लिखा हुआ है, इतने को हम लिख सकते हैं AR, क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं, और उसके बाद 3d10 4s2 4p1 ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी लेंथी है, तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे जो 3p6 तक था, ये आपका ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए हम इसको यहां पे क्या लिख देते हैं, AR लिख देते हैं, फिर उसके बाद 3d10 4s2 4p1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, AR हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3d10 के बाद आपका आएगा 4s2, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 4p1, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया जाता है, इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा जाता, इसीलिए यहाँ पे AR लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद जो आपका बचता है उसको एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूँ, क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ऑलरेडी करना सिखा दिया है, मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। तो चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अभी तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा ही, और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होती है पदार्थ की पांचवी अवस्था, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गई, अब आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, ठीक है, क्या बताना है आपको कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये आपसे इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है,
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगा ही, और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपसे मात्रक पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ऑप्शन में आपको कहीं ओम मीटर लिखा हुआ मिल रहा है? यहाँ पे ओम लिखा हुआ है जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, फिर उसके बाद वोल्ट लिखा हुआ है, एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पे ओम मीटर तो लिखा नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि मात्रक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको सभी मात्रक डिटेल में बताए हुए हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहली बार आया हुआ है, क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या पूछा गया है? कि सोना का लैटिन नाम है, आपको यहाँ पे बताना है कि सोना का लैटिन नाम है। चार ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपकी बुक से ही पूछे जाएं। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है जरूरी नहीं है कि वही आपसे पूछ लिए जाएं, कुछ क्वेश्चंस आपसे बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ओरम। ओरम ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सोना का लैटिन नाम है, ओरम है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ तो लिखा जाएगा AURUM, ये लिखा जाता है, ठीक है। और जो सोना होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, इसका लैटिन नाम आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि सोना को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से। और इसका लैटिन नेम क्या है? यहाँ पे ओरम है, बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। क्या पूछा गया है? भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। अब यहाँ पे भूस्थायी उपग्रह लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक सभी लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 24 घंटे। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। अगर आप बुक में एक्सरसाइज में चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और ये किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन लिया गया है? गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहली बार आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक है। क्वेश्चन क्या है?
किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पहली बार आया है, लास्ट ईयर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था। तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पोलोनियम। पोलोनियम ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक है, पोलोनियम के हैं। पोलोनियम को हम पी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 84। कितना होता है, 84 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है, औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जीवाणुनाशी के रूप में, ठीक है। चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है जीवाणुनाशी के रूप में। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है। क्या पूछा गया है, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थ्योरी पार्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जब थ्योरी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शून्य। यानी पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी क्वेश्चन हमारा पहली बार आया है, और ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर गलत होता है कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये पहली बार आया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2S। तो ऑप्शन में आपको H2S भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2S। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10^7 अर्घ, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10^7 अर्घ, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि फेल्सपार किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फेल्सपार किस धातु का अयस्क है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सभी धातु, उनके अयस्कों के नाम, उनके केमिकल फॉर्मूले, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में करवाई हुई है एक वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोडियम, ठीक है। फेल्सपार किस धातु का अयस्क है, सोडियम का है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य की परास है। क्या पूछा गया है, परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य की परास है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था तो वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इस क्वेश्चन को याद करने की, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और वैसे अभी तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा ही, ठीक है। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग करेक्ट ही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया था तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको ऑप्शन में चेक करना है, दोगुना ढूंढना है। दोगुने से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4000 लिखा है ना, 4000 का दोगुना क्या होता है, 8000 होता है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ट्रिक की हेल्प से। और अगर आप किसी और ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 0.1 लिखा है, क्या 0.1 का दोगुना 100 होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर इसके बाद ऑप्शन सी में आके चेक करते हैं, 100 लिखा है, 100 का दोगुना 4000 होता है, नहीं होता है। 8000 के ऊपर तो यहाँ पे दोगुने की बात ही नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4000 लिखा था और 4000 का दोगुना 8000 होता है। आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आप नॉर्मल वे पे याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से याद कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपसे यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो सभी लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।